तरह से जो है कुछ लोगों को करने के लिए परमिशन दी जा रही है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। एक तरीके से कह रही है कि पिछली बार जितनी विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, किसी कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने, हजारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बारिश में और धूप में। अभी जिस तरह से बीएचपी कह रही है, बीजेपी के खिलाफ जाते हुए कह रही है कि ये सब ड्रामा है, कोई फर्क नहीं है बीएचपी में, बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कुछ ये को भी अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया, सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8-9 तारीख को जो G20 होने जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब कर रहा है, तो बीजेपी खुद कर रही है विश्व हिंदू परिषद को इजाजत देकर। आप सरकार में हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है, थ्रेटन करती है, तो आप झुक जाते हैं उनके आगे। ये आप सरकार चला रही है, रूल ऑफ लॉ है आपका, यानी ओपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई थ्रेटन करता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के आप इनकी धमकी को आप उनके आगे झुक जाएंगे, तो ये झुक गए लोग।